हिंद मार्केट में दो तरीके के स्टॉक्स या फिर आई शुड से सेक्टर्स होते हैं एक होते है साइक्लिकल एक होते हैं नॉन साइक्लिकल साइक्लिकल मतलब कभी कभी डिमांड आएगी कभी ठंड का सीजन आएगा तो डिमांड होगी गर्मियों का सीजन होगा तो डिमांड होगी पर दूसरा सेक्टर ऐसा होता है जिसमें एवरग्रीन डिमांड रहती है फॉर एग्जाम्पल कोई भी सीजन हो गर्मी हो ठंड हो बारिश का मौसम हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक डिमांड रहती है वो है एफ सेक्टर अब एफ सेक्टर में भी ना एक पार्ट है दैट इज एल्कोहल ब्रिवरीज या लिकर सेक्टर की

एलाइड ब्लेंडर का आईपीओ आया है और काफी लोग ना कंफ्यूज थे सर अप्लाई करें या नहीं करें अप्लाई करें और कितने लॉट्स में अप्लाई करें क्या क्या हो हो सकता है लिस्टिंग गेन सकते हैं काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन था कोई प्रॉब्लम नहीं है डिटेल्ड एनालिसिस में दिखाऊंगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है क्या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है कैपेसिटी वगैरह कितनी है उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है फाइनेंशियल क्या आ रहे हैं ये सब आज के वीडियो में

ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है वो भी डॉट टू डॉट बेटा एक में भी फ्रंट रेट बेटा स्टेनले अभी भी ओपन है आप चेक कर सकते हो व्रज के भी मैंने डाल दिए तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एलाइड ब्लेंडर्स आईपीओ के बारे में एलाइड ब्लेंडर्स आईपीओ के बारे में अब देखो ये सेक्टर ना ऐसा है कि जहां पर डिमांड कांस्टेंट रहती है कांस्टेंट रहती है कि मतलब डिमांड चलती रहती है जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले कुछ सेक्टर्स की सेक्टर के स्टॉक्स की यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट देखोगे तो हैव अ लुक एट दिस चार्ट चार्ट यहां पे चार्ट ने एवरग्रीन वेल्थ प्रोड्यूस है लास्ट दो तीन साल का भी अगर स्ट्रक्चर यहां से देखा जाए तो यहाँ पे कई स्टॉक ट्रेड कर रहा था फोर फिफ्टी रुपीज पे और अभी तेरह सौ रुपए आ चुका ढाई तीन गुना के आसपास हो गया और अगर दूसरा स्टॉक देखा जाए फॉर एग्जाम्पल रेडिको कहतान तो रेडिको कहतान का चार्ट भी आप देख रहे हो क्या एवर ग्रीन चार्ट है ये ऊपर की तरफ चल रहा है क्योंकि यहां पर पता क्या होता है यहां पर ऐसा नहीं होता कि गर्मियों में डिमांड बढ़ गई फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट्स वगैरह का एग्जाम्पल ले तो वहां पर ठंड में डिमांड बढ़ेगी ए वगैरह का एग्जाम्पल ले तो यहां पर गर्मियों में डिमांड बढ़ेगी ये कहते हैं कि भैया चलने दो पूरा मौसम आए चलने दो तो एक काम करते हैं स्टार्ट करते हैं एलाइड ब्लेंडर्स के आईपीओ से और बिजनेस मॉडल के साथ साथ एंड में मैं बताऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है लिस्टिंग इन कितना हो सकता है तब पता चलेगा हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है शुरू करते हैं इन कॉर्पोरेट इन टू थाउजेंड एट एंड एम एफ एल इंडियन मेड फॉर लिकर कंपनी द कंपनी ऑफर्स फोर इंडियन मेड फॉरन लिकर कैटेगरी जो लोग बोलते हैं भैया विस्की ऑन द रॉक्स विस्की ब्रांडी राम एंड वोद का चार बोतल वोद का चलिए इन एडिशन दे सेल पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर अंडर द ऑफिसर्स चॉइस ऑफिसर्स चॉइस ब्लू एंड स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड तो जो ये पानी वगैरह बेचते हैं विस्की वगैरह बेचते हैं वो इन कैटेगरीज वगैरह के अंदर सेल करते हैं ठीक है नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कंपनी क्या बोलती है भैया

कंपनीज प्रोड्यू प्रोडक्ट वर एक्सपोर्ट टू 14 इंटरनेशनल मार्केट्स यानी कि सिर्फ इंडिया में बेचने के बनाया और इंडिया में सेल कर दिया नहीं ये कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं और 14 इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हैं। कहां पर मिडल ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका अफ्रीका, एशिया और यूरोप यानी कि ये पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पे सप्लाई करने के लिए फोकस्ड है ठीक है नेक्स्ट पार्ट The company owns and operates a distillery in Rangapur, Telangana, which is spread over 75 acres and has a built up area of over.

ठीक है ओन एंड ऑपरेट इन टू बोटलिंग यूचलिस्टी कैपेसिटी ऑफ फाइव थर्ड पार्टी बॉटलिंग कैपेसिटीज फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट देखो सपोज करो कोई कंपनी है माल यहां बना रही है और आसपास में ही बेच रही है माल यहां बनाया फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं किसी ने अपना प्रोडक्ट को किसी ने अपने प्रोडक्ट को यहां पर बनाया तो वो ट्राई करेगा यहां पर ही बेचू ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए या यहां पर बेचू बट ये क्या बोल रहे हैं ये यह यहां पर बोल रहे हैं द कंपनीज प्रोडक्ट वर सोल्ड इन सेवेंटी नाइन थाउजेंड रिटेल आउटलेट सेवेंटी नाइन थाउजेंड रिटेल आउटलेट्स है यानी दुकानें हैं जहां पर इनके प्रोडक्ट बिकते हैं अक्रॉस एंड यूटीज मतलब ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना में जैसे इनका काम है तो तेलंगाना में बनाया वहीं आसपास सेल कर दिया कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए ये एक सेंट्रिक फोकस पे काम कर दिया कि चलो एक काम करते हैं साउथ वगैरह की साइड काम करते हैं नहीं ये कहते हैं भैया कि हम ऑल ओवर इंडिया है पैन इंडिया बेस्ड हमारा माल जाता है

मैं हमेशा इंपॉर्टेंट डेट्स पे पता है क्यों फोकस करता हूं ताकि मुझे पता रहे कि क्या और भी कोई आईपीओ इसके साथ आ रहा है क्या कहीं कोई क्लैश वगैरह तो नहीं हो रहा आईपीओ का शुरू करें तो आईपीओ डेट आईपीओ ओपन होगा 25 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा 27 तारीख को अलॉटमेंट आएगी 28 तारीख को रिफंड्स एक तारीख को सैटरडे संडे ऑफ हो गया तो एक तारीख को फिर शेयर्स आएंगे एक तारीख को और सेकेंड जुलाई को ये यह यहां पर लिस्ट होने वाला है ठीक है आ जाते हैं प्राइस बैंड पे फेस वैल्यू रखी है दो रुपए यानी प्री स्प्लिट है प्राइस बैंड रखा है टू सिक्सटी सेवन टू टू एट्टी वन हम अप्लाई करेंगे टू एट्टी वन पे या तो कट ऑफ प्राइस पे जाकर टिक मार दो एक ऐसा आपको बॉक्स मिलता होगा उस पर कट ऑफ प्राइस पे टिक मार दो या मैनुअली टू एट्टी वन डाल दो कभी भी एक बात याद रखना कभी भी इससे नीचे नहीं डालना है आप डालो टू एट्टी टू सिक्सटी सेवन टू सेवनटी टू सेवन नहीं हमेशा ये अपर बैंड प्राइस डालो या कट ऑफ टिक मार दो क्योंकि लोअर वाले जितने होते हैं टू सिक्स टू सेवन टू सेवन ये सबको रजिस्टर भार कर देगा 53 शेयर्स का एक लॉट है अब क्वेश्चन है कितना पैसा उठा रहे हो वो बताओ तो कंपनी कहती है कि भैया मैं 1500 करोड़ रुपए मुझे चाहिए जिसमें से हजार करोड़ यानी 66 परसेंट जो है वो फ्रेश इशू है और 500 करोड़ यानी कि सिर्फ 33 परसेंट जो है वो ओएफएस है बैलेंस सिचुएशन है बैलेंस नहीं इनफैक्ट आई शुड से बहुत अच्छी सिचुएशन है मैं इसको चार्ट के मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला कंसेप्ट जो है मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है और दोबारा से नॉलेज ले लेते हैं कि भाई नॉलेज क्या बोलती है कंपनी ने कहा कि भाई मुझे फंड रेस करने हैं मुझे पैसों की ज़रूरत है मुझे और एक्सपेंशन करना है और मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने हैं तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कंपनी के पास डेट रेस करने का डेट या फिर जिसको कुछ लोग बोल सकते हैं लोन अब इस पर प्रॉब्लम क्या है इस पर जाएगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मतलब आप गए बैंक के पास एन के पास या आपने बॉन्ड्स इश्यू कर दिए राइट तो आपने कहा कि भैया मुझे लोन दे दो अब इसमें क्या है इसमें कोई आई वुड से प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी जो कि इक्विटी के पार्ट में करनी पड़ती है यहां पे स्टॉक लिस्टेड भी नहीं होगा बट दूसरी प्रॉब्लम क्या है सेल्स हो रही है नहीं हो रही है प्रॉफिट में हो लॉस में हो जी रहे हो मर रहे हो कुछ भी प्रॉब्लम है यहां पर पैसा देना ही पड़ेगा पैसा देना ही पड़ेगा दूसरा ऑप्शन है मेरे पास इक्विटी का आपने कहा मैं काम करता हूं आपको ना अपने काइंड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग में कर लेता हूं जिसके वजह से इसका नाम पड़ा शेयर इक्विटी शेयर तो उन्होंने कहा ठीक है अब इनके पास वापस से दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि प्राइवेट प्लेसमेंट कर दो प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया किसी एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया शार्क टैंक में चले गए या फिर फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया या उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने आपने किसी वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह से पैसा उठा लिया यहां पर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होगी दूसरा ऑप्शन था कि आपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दी आप आईपीओ लेकर आ गए तो जैसे कि ये एग्जैक्टली एलाइड ब्रेंडर्स का आईपीओ आ रहा है यहां पर क्या है कंपनी पंद्रह सौ करोड़ रुपए रेस कर रही है कंपनी ने कहा मैं 1500 करोड़ रुपए रेस करूंगी जिसमें से क्या होगा 1500 करोड़ में से 66 परसेंट यानी कि हजार करोड़ जो है वो कंपनी के पास जाएगा कंपनी के पास जाएगा और सिर्फ 500 करोड़ यानी 33 परसेंट जो है वो ओ का सेक्शन है वो ओ का सेक्शन है तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है पास्ट के आईपीओ वगैरह में हम लोगों ने देखा है सेवेंटी थर्टी की सिचुएशन रही कई बार तो एट्टी ट्वेंटी की रही सिक्सटी फोर्टी की रही बट ये कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा जिस से कंपनी फॉर एग्जांपल लोन उठा सकती है एक्सपेंशन कर सकती है केपक्स कर सकती है कैपेसिटी बढ़ा सकती है और एग्जांपल अपने यूनिट्स बढ़ा सकती है ये सबसे अच्छी चीज मुझे जो यहाँ पर अभी तक नजर आई ये चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना बाकी जो आईपीओस आ रहे हैं इस तरीके से ही एनालाइज करने हैं ठीक है नेक्स्ट चार्ट पर देखते हैं कि भैया किस-किस के लिए कितना कोटा इन्होंने रखा हुआ है ये बोलते क्यूआईबी को भाई आपको 50 परसेंट तक ही मिलेगा रिटेल वालों को 35 और एच एन आई को 15 तो इन दोनों कैटेगरीज में से इसका ज्यादा है अगर हम आगे जाके देखेंगे वर्डिक अप्लाई करेंगे तो इस कैटेगरी में करेंगे क्योंकि यहां पर इनके पास कोटा ज्यादा है तो यहां चांसेस एक बारी को ज्यादा है एक एक लॉट का साइज देख लेते हैं वाले कहते हैं कि भैया एक लॉट आपको पड़ेगा एट नाइनटी थ्री का दो लाख से नीचे एप्लीकेशन है यानी कि वन नाइनटी थ्री तक तो आपके तेरह लॉट्स होंगे और अगर दो लाख से ऊपर एप्लीकेशन है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा एच कैटेगरी में फिल कर लेगा चलिए प्रमोटर होल्डिंग्स देखिए जरा प्रमोटर के जरा दो चार नाम पढ़े द प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर किशोर रंजन छाबरिया बीना छाबरिया रेशम छाबरिया फिर उसके बाद बीना छाबरिया एंटरप्राइज हो गया बीकेसी सी एंटरप्राइज ओरिएंटल रेडियोज एंड ऑफिसर्स चॉइस स्प्रिट ठीक है अभी तक प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 96 है मतलब कि सिर्फ तीन चार परसेंट अभी तक इन्होंने डाइल्यूट करा था यानी बाहर से इक्विटी के फॉर्म में पैसा रेस करा था पोस्ट आईपीओ भी प्रमोटर के पास 80 परसेंट रहने वाला है 80 परसेंट जो कि 75 से भी ज्यादा है मैंने पास भैया तो हम तो आपके क्राइटेरिया को भी क्रॉस करके 75 से भी ज्यादा लेकर आए हैं मतलब मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट बोलो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग बोलो वो अभी भी प्रमोटर के पास रहेगा एट्टी के आसपास तो यह पॉजिटिव चीज नजर आ रही है पॉजिटिव

चलिए शुरू करते हैं यहां पर तो ये हो गया फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर और ये तीन क्वार्टर तो डिवाइड बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर कर देते हैं एसेट्स की बात करें तो यहां पर कुछ 2300 करोड़ के एसेट्स थे हल्का से डिप आया उसका रीजन था कोविड क्योंकि यहां पर दो महीने तक याद करो अप्रैल 2021 मई 2021 तो दो महीने तक कोविड था फिर भी बहुत अच्छी बैलेंस सिचुएशन है तो यहां पर इनके पास 2250 करोड़ के वापस से पिकअप करा 2400 करोड़ सत्ताईस करोड़ तो लास्ट तीन साल में कुछ ऑलमोस्ट पांच करोड़ पांच करोड़ के आसपास के एसेट्स यहां पर इन्होंने जुटाए हैं रेवेन्यू की बात हजार, सात हजार करोड़ की सेल्स थी यहां पर देख सकते हो सेल्स वापस से पिकअप करके गई 7000 करोड़ की सेल्स थी और अभी भी छह हजार करोड़ की सेल्स है और अगर मैं बैलेंस करूं डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर तो यह हो जाएगी कुछ आठ करोड़ के आसपास की सेल्स यानी सेल्स हर साल दस बारह के आसपास से ग्रो कर रही है अब देखते हैं प्रॉफिट क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर अगर कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो लोग वहां बाय करने चले जाएंगे और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेस हमें सबको पता है कि यार इन कैटेगरीज पे ना टोबैको पे अल्कोहल पे इनपे टैक्सेस इतने सारे होते हैं कि इनके प्रॉफिट डिमिनिश हो जाता है अभी की बात करें तो दो करोड़ का प्रॉफिट था थोड़ा सा डिप हुआ रीजन कोविड भी रहा होगा क्योंकि खर्चे तो कॉन्स्टेंट थे ही थे तो दो करोड़, करोड़, अब वापस से करा, चार करोड़ के आसपास तो से, कर रहे अब वापस से कर रहे वो भी बताता हूं आगे देखना चलिए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले रिजर्व्स ऑफ बोर की रिजर्व्स तीन सौ सत्ताइस तीन सौ छप्पन तीन सौ सत्तावन तीन सौ साठ रिजर्व वापस से कॉन्स्टेंट हुए बट बोरिंग देखना 950 करोड़ की बोरोइंग्स थी बोरोइंग्स यानी जो भी हम बात कर रहे थे लोन मोर्डगेज बॉन्ड्स राइट डेट जिस पे इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा आपने मंथली पेमेंट कर रखी है क्वार्टरली कर रखी है छे महीने कर रखी है ब्याज देना ही पड़ेगा अब ये रिड्यूस करके कर दिया 846 फर्दर रिड्यूस करा 780 और अभी भी 800 है तो लास्ट दो ढाई साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास का लोन पिकअप कराया और बैक टू तो बैक तो बैक टू तो बैक, तो बैक, तो बैक, तो बैक हर साल रिड्यूस कर रहे हैं तो ये एक माइंडसेट लग रहा है बैलेंस शीट देख के बोलो तो माइंडसेट लग रहा है कंपनी का कि भैया वो डेट रिड्यूस करने पर फोकस्ड है और यही रीजन है कि इनका पैट वापस से बड़ा है क्यों होगा क्या कंपनी ने डेट रिड्यूस करा जैसे डेट रिड्यूस करा तो इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट रिड्यूस हो गया इंटरेस्ट का कॉम्पोनेट रिड्यूस हुआ तो वो डायरेक्टली पैट में रिफ्लेक्ट कर रहा है और जैसे पैट और ईपीएस दोनों बूस्ट कर रहे हैं चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट अब आते हैं कि भैया पैसा कितना उठा रहे थे पंद्रह सो करोड़ जिसमें से हजार करोड़ कंपनी के पास जाएगा और किस लिए उठा रहे हो ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताइए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते हैं जरा जल्दी से रिटर्न ऑन इक्विटी वन परसेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइज चौबीस परसेंट है डेट वन पॉइंट एट टाइम्स है उससे भी इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन नेटवर्थ वन परसेंट प्राइस टू बुक वैल्यू सोलह और पैट मार्जिन जीरो पॉइंट वन सेवन परसेंट के आसपास है पैसा किस लिए उठा रहे हो बताइए जरा तो कंपनी कहती है पेमेंट और पोर्शन ऑफ सर्टेन बाय द कंपनी तो ये बोल रहे हैं कि भैया हम अपना डेट वगैरह रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो देखो कंपनी उठा रही थी पंद्रह सौ करोड़ जिसमें से हजार करोड़ जो है रिजर्व्स और कंपनी के पास जा रहे हैं जिसमें से कंपनी की बोरोइंग आठ सौ करोड़ तो अगर हजार करोड़ में से कंपनी आठ सौ करोड़ के डेट भी रिड्यूस कर देती है तो हो सकता है एक आध साल में जो इनका मोटो भी दिखाई दे रहा है बैक टू बैक रिड्यूस करा है डेट हो सकता है कंपनी एक दो क्वार्टर में तीन चार क्वार्टर में यानी कि एक साल में डेट फ्री ही हो जाए डेट फ्री तो नेट डेट फ्री की जगह पूरा डेट फ्री हो गई कंपनी की इनको आगे से कोई इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी

चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पे आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं अपने

उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट 500 करोड़ के कर बोरोइंग रिड्यूस हो रही है ये सबसे आया। उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट बुल मार्केट में भी नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ of पैसा ओ एफ एस की तरफ जा रहा है कि भैया कोई अपना सेलिंग शेयर होल्डर हो गया प्रमोटर हो गया वो माल बेच के कटने की तैयारियों में बुल मार्केट का फायदा ले लो नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां पर हमने देखा साफ नज़र आ रहा है सिक्सटी सिक्स परसेंट जो है वो पैसा कंपनी के पास जाएगा ये बोलते हैं कि कंपनी की बोरिंग्स रिड्यूस करेंगे जो यहां पर लिखा भी हुआ है केपैक्स वगैरह में डालेंगे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहां पर कंपनी पंद्रह करोड़ रुपए रेस करना चाह रही है जिसके हिसाब से ट्वेंटी टू थर्टी टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन नज़र आ रहा है

ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट के हिसाब से लिस्टिंग करेंगे में, बिल्ली के अकाउंट से ड्राइवर के अकाउंट से फ्रेंड के अकाउंट से ताकि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाए रिटेल कैटेगरी में क्योंकि रिटेल कैटेगरी में थर्टी फाइव परसेंट का कोटा है तो वहां पर अगर मान लो आपने दस एप्लीकेशन भी डाली दो चार एप्लीकेशन भी अगर आपकी लग जाती है तो यहाँ पर लिस्टिंग हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं 20-30 परसेंट के आसपास वो सात-आठ दिन में हैंडसम रिटर्न्स वगैरह दे सकते हैं ये थे एलाइड ब्लेंडर्स आईपीओ के डिटेल एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो शेयर विद आप फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो लॉ